और ये है जी मुझे मेरी खूबसूरती का मैं कुछ राज, ज्यादा ही बोल फेयर रही एंड हूँ। लवली, किसी को बताना नहीं, मैं ये लगाता हूँ। एक्चुअली आपको तो पता तो जी करें स्टार्ट। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले। आज है जी सैटरडे। पीछे छोटे छोटे कुत्ते भौंक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, शायद खाने को कुछ मिल नहीं रहा होगा। तो आज है जी सैटरडे, और जितने भी वर्कर्स एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए बेस्ट डे होता है सैटरडे, क्योंकि नेक्स्ट डे होता है संडे। तो सैटरडे वाला मज़ा आता है जाने का, हर चीज़ करने का, काम करने का। तो और सबसे बड़ी बात आज के लिए ये है कि जितने भी CSK फैंस हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि पहला मैच जो है CSK जीत गई है। बड़ी अच्छे, मतलब बड़ा अच्छा मैच हुआ, और आई होप कि इस साल भी ट्रॉफी जो है CSK ही लेके जाएगी। तो मैं उठ गया हूँ जी, टाइम हो गया सुबह के 8:30 ऊपर हो गया, 9:45 हो गया, तो कुछ तो लेट ही होने वाला हूँ। तो उठता हूँ, होता हूँ रेडी, फिर चलते हैं ऑफिस, और कल है संडे, तो साथ ही उसके दिन के करते हैं शुरुआत, बनाते हैं व्लॉग। तो करते हैं व्लॉग को स्टार्ट, बट उससे पहले हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं द मैग्नेटिक स्टूडियो, और देख रहे हैं मेरा न्यू व्लॉग। सो लेट्स स्टार्ट। तो जी आगे नहा के और अब होते हैं रेडी। और आज क्या है, आज है सैटरडे। तो सैटरडे को क्या होता है हमारी मैस में ना, खाना जो बनता है, ब्रेकफास्ट जो बनता है, वो थोड़ा ज़्यादा ही साउथ इंडियन बना देते हैं, इसलिए सैटरडे को डिसाइड होता है कि रूम में ही खा के जाना है। क्योंकि मैं नहीं खाता वो सुबह सुबह, पता नहीं क्यों खाया नहीं जाता। तो मैं होता हूँ रेडी, और करते हैं ब्रेकफास्ट, वही कॉफ़ी चाय या कुछ बिस्किट विस्किट खा के करेंगे गुजारा, फिर दोपहर को खाएंगे। तो आप देखते रहो। और ये है जी मेरी खूबसूरती का मैं कुछ राज, ज्यादा ही बोल फेयर रही एंड हूँ। लवली, किसी को बताना नहीं, मैं ये लगाता हूँ। एक्चुअली आपको तो पता है ना कि तो हो गया जी अपना ब्रेकफास्ट रेडी, कॉफ़ी अपनी बन गई। आज चाय नहीं, आज मैंने कॉफ़ी पी, कल चाय पी थी, बट आज कॉफ़ी, और साथ में कुछ बिस्किट्स, ओरियो, और ये कोई गुड्डे टाइप, पता नहीं कौन सा है। और यहाँ पे चल रहा है अपना फेवरेट शो, भाभी जी घर पे हैं। ब्रेकफास्ट करके फिर चलते हैं ऑफिस, आप देखते रहो। डन। देखो जी वो जो सामने बर्फ पड़ी है ना, वो सारी कल पड़ी है मौसम, लेकिन आज है बिल्कुल क्लियर। और आज मैंने ये ब्लैक शेड इसलिए पहने क्योंकि आज धूप तगड़ी है, और हम जा रहे हैं बाइक पे। बाइक कौन सी? ये CT 100 भाई, प्लाटिना बाइक है, ठीक है, प्लैटिना। और ले में प्लैटिना बाइकें भाई साहब कामयाब नहीं है, चेंज करो भाई, कल से दूसरी लाओ, ठीक है। तो आज मेरे साथ हैं वरुण भाई, हेलमेट हाय, जो कल भी दिख रहे थे, ये कल भी टेररिस्ट बने हुए थे मुंह बंद करके, आज भी टेररिस्ट। इनको ठंड ज़्यादा लगती है भाई, आगरा वालों को पता नहीं क्यों इतनी ठंड लगती है। तो हम चलते हैं ऑफिस। तो जी कल थे ये एब्सेंट मैडम जी, गुड मॉर्निंग। कल क्यों थे एब्सेंट मैडम, कहाँ गए थे? कुछ काम था। अच्छा काम था। मैडम की देखो शेड्स, मैडम की शेड्स भी अच्छे हैं। चलते हैं प्रोफेसर को कर दे गुड मॉर्निंग। प्रोफेसर गुड मॉर्निंग, हाय। कंप्यूटर ऑन नहीं, क्या क्या चक्कर है, क्या चक्कर है, आज भी मूड ऑफ है? मूड ऑफ करके क्या करना यार। चलो ठीक है भाई, तो आज मैडम आ गई, आज करते हैं काम स्टार्ट। वो लाइट भी बंद होगी, नहीं फिर से आ गई, देखा हमारी लाइट जाती नहीं है ज़्यादा, तो हम करते हैं काम वगैरह स्टार्ट, आप देख रहे हो। तो यहाँ पे कर दीजिए हमने सिस्टम ऑन और काम स्टार्ट, लेकिन आपको लद्दाखी सुनाते हैं, सुनो। अभी तो समझ आ नहीं रही मेरे को, लेकिन आई होप कि एक साल में मैं सीख जाऊंगा। टाइम हो रहा है दोपहर के 3, और आज आने में काफ़ी लेट हो गए। और वरुण भाई बता रहे थे कि आज लंच काफ़ी अच्छा बना था, बट नहीं किस्मत में था क्योंकि मैं लेट हो गया। तो अपने पास और कोई ऑप्शन है नहीं, ये ऑप्शन है, 2 मैगी के पैकेट बनाते हैं, और साथ में IPL भी चल रहा है, आज मैच है दिल्ली और साथ में किसका है, पंजाब का।
तो मैं बनाता हूँ मैगी, उसके बाद खाते हैं। उसमें मैगी तो मैंने निकाल ली वैसे, साथ में उसके ऊपर ऐड करेंगे ये टोमेटो केचप के ना, मैं पैकेट ले आया था, बड़ा पैकेट, दो काफ़ी हैं, दो या तीन, तो ये तीन पाउच इसको थोड़ी टॉपिंग देने के लिए ठीक रहेंगे। तो मैं बनाता हूँ मैगी और देखता हूँ मैच। ये हो गई जी अपनी मैगी तैयार, और ये आ गया फॉक, लेकिन इसको हम अभी थोड़ी ड्रेसिंग देंगे, ठीक है, थोड़ा सजाएंगे इसको टोमेटो केचप के साथ। अब सही लग रही है ना? और भाई आईपीएल मेरे को पता नहीं क्यों मज़ा नहीं आ रहा था देखने में, मेरे को भाई क्राइम पेट्रोल की आदत लगी हुई है, तो मैं यही देख सकता हूँ, तो मैं देखता हूँ क्राइम पेट्रोल, साथ में खाता हूँ ये डिलीशियस लुकिंग मैगी। यहाँ छुट्टी जाने की तैयारी में कपड़े धो के सुखा के रख दिए, सूख जाएंगे आज। और वहाँ पर देखो पहाड़ों पर बर्फ़, और उसके नीचे चल रहा है क्रिकेट मैच, कम से कम 17,000 फीट की ऊँचाई पर क्रिकेट। और ये अपनी छोटू अपने खाया कुछ खाए हो, किस खादा भाई, सारी लैंग्वेज में पूछ लिया, कुछ नहीं बोले। देखो भाई कुत्ते कमी नहीं है, कुत्ते और गधे इतने मिलेंगे ना आपको ले में, लेकिन यहाँ के कुत्ते पता क्या होता है, जो सर्दियों में जैसे आपको जो दिखेंगे अगले साल वो नहीं दिखेंगे, क्योंकि इतनी ठंड होती है ये मर जाते हैं काफ़ी, जैसे समझ लो एक दस बच्चे पैदा होंगे, ठीक है, उसमें से दो या तीन ही जीते हैं, पहली बात तो ये, लेकिन पूरा सीज़न कोई नहीं काट पड़ता, जो एक साल दिखता है अगले साल वो कुत्ता आपको दिख ही नहीं सकता, इतनी ठंड होती है। तो भाई आज मेरी किस्मत भी इतनी ख़राब थी, सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया क्योंकि थोड़ा साउथ इंडियन बनता है और वो वाला मैं मुझसे खाया नहीं जाता, लेकिन दोपहर को आज खाना इतना अच्छा बना था, बट मैं हो गया था लेट, तो नहीं मिला, किस्मत नहीं है। और ये दो दिन के मेहमान फ़िलहाल इस साल के, तो अब भी लंच वगैरह तो कर लिया, लंच कहाँ किया, मैगी खाई है, तो हम दोनों अभी चलते हैं ऑफ़िस, थोड़ी देर के लिए जाना है, फिर उसके बाद फ्री होके आ जाएंगे रूम में, मैच हम ऑफिस में भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम चलते हैं, आप देखते रहो। बाहर देखो इतनी धूप है और यहाँ पे हीटर ऑन, तो पता चल ही सकता है कि भाई कितनी ठंड है यहाँ पे। ऋषभ पंत है कैप्टन, बहुत बड़ी इंजरी के बाद आया वापस, और दिल्ली का स्कोर है 76-2, बट हमारी किस्मत अच्छी नहीं है, बाकी वाले सोचो क्रिकेट खेल रहे हैं और मैं और प्रोफेसर यहाँ पे ऑफिस में बैठे हैं और कर रहे हैं काम, क्यों, क्योंकि भाई इनको छुट्टी जाना है, तो फिर ये सोच रहे हैं कि यार काम ख़त्म करके ही निकलते हैं, क्या बोल रहे हो यार, अच्छा कन्फ्यूज़ हो गए थोड़ा, कोई चक्कर नहीं, काम कर रहे हैं, तो थोड़ी देरी करेंगे काम, उसके बाद चलेंगे, अगर टाइम बचा मतलब थोड़ी थोड़ी लाइट हुई तो हम भी थोड़ा क्रिकेट खेल लेंगे, बट मेरे को नहीं लगता कि होगी, तो अभी हम करते हैं काम, आप देख रहे हो। टाइम हो रहा है शाम के 7 और ये टाइम है कॉफ़ी पीने का, तो यहाँ हमारी कॉफ़ी रेडी एक नए कॉफ़ी मग में, और साथ में है आलू भुजिया मोटी सेवियाँ वाला, साथ में है क्राइम पेट्रोल। और आज ना एक चीज़ का प्लस पॉइंट यह होता है, सैटरडे को ना थोड़ी टेंशन नहीं रहती कि सुबह आप लेट उठो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, तो अभी आज एक्चुअली क्या हुआ है, मैं बड़ा थक चुका हूँ, तो अभी ये कॉफ़ी पी के ना जस्ट सीधा सो जाऊँगा, उसके बाद अगर खाने के टाइम पे उठा गया तो खाना खाऊँगा, अदरवाइज़ वो देखेंगे बाद में देखेंगे, बट मैं बड़ा थक गया हूँ आज, तो पीते हैं कॉफ़ी उसके बाद सोते हैं। तो साथ में हाँ आज मैच भी है आईपीएल, शायद केकेआर वर्सेस सनराइज़र्स हैदराबाद है, तो वो देखेंगे शाम को, दिन वाला देखने का ना मेरे पास टाइम था और ना ही मेरा मन था, क्योंकि टीम्स मेरी फेवरेट नहीं थी, हम तो सिर्फ सीएसके के फैन हैं, बट फिर भी सनराइज़र्स हैदराबाद इसलिए क्योंकि उसमें केन विलियमसन था एक टाइम पे, तो वो भी मेरा फेवरेट था। तो अभी मैं पीता हूँ कॉफ़ी और देखता हूँ क्राइम पेट्रोल, और फिर उसके बाद करता हूँ रेस्ट, आप देखते रहो। और भाई यहाँ पे पूरी हो गई आंड्रे रसल की हाफ सेंचुरी, बड़े धमाकेदार तरीके से की हाफ सेंचुरी बंदे ने पूरी, और देखो यहाँ पे मैच कौन कौन देख रहा है, विकास सर हेलो बोलो, बॉटल के सिवाय हाथ हिला दो यार, बॉटल छोड़ो, और ये शुभम सर हेलो बोलो, और ये परिहार सर। तो भाई सबने आज आंड्रे रसल को ना कैप्टन लिया, किसी ने वाइस कैप्टन लिया, तो यहाँ बैठ के देख रहे हैं मैच, और ये प्रभु सर ऑफिस से थोड़ा सा काम घर पे लेके आ गए हैं, क्यों, क्योंकि भाई साहब छुट्टी नहीं कर रहे हैं, छुट्टी इसलिए काम सोच रहे हैं खत्म करके ही जाऊंगा, तो यहाँ पे हम मैच एंजॉय कर रहे हैं, ये चल रहा है भाई मैच।